रुक तो गई थी वो भाई ने गाड़ी गिरा के रखी सामने। अरे यार चल उठा। तो भाई साहब पहाड़ों में तो यार मौसम इतना सही हो रहा है ना, हमारे वहाँ कोहरा कोहरा लग रहा है। अभी हम नैनीताल को जा रहे हैं, तो नैनीताल से मैं बताऊंगा आपको हम कहाँ जा रहे हैं। उस जगह को मैं वो रास्ते में दो बार हो के आ चुका हूँ, बट अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बट मौसम बहुत सही हो रहा है, इतनी प्यारी प्यारी निकलने की ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है 20 जनवरी 2023 और आज है मेरा बर्थडे और अभी हम हैं नैनीताल में और आज हम जा रहे हैं पनगोड। और इससे पहले आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं दो बार पनगोड गया था पर आधे रास्ते से हमें वापस आना पड़ा, बट आज हम पनगोड जा रहे हैं और मस्त तरीके से हमने टैंकी वैंकी फुल करा दी है और अभी हम है नैनीताल के नैनीताल पहुँचने वाले हैं। और अभी टाइम हो रहा है 11 बज गया है, तो घर से हम निकल गए थे 10:30 और अभी हम थोड़ा यहाँ पर रुक रखे हैं, ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। और भाई मौसम इतना सही हो रखा ना यार, धूप आ रही है। हमारे घर में तो हल्द्वानी में थी, अभी कोहरा कोहरा हो रखा है और ये भाई भी फतेहपुर से आ रखे। पहाड़ों का मौसम ही एकदम मस्त है यार। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और इससे पहले भी आपने जो टाइम लैप्स देखे थे वो हम हल्द्वानी से नैनीताल को ऊपर को आ रहे थे, तो वो टाइम लैप्स थे। क्योंकि ज़्यादा मोटा ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पनगोड का रास्ता भी यहाँ से पूरा 40 किलोमीटर और है, तो वो भी शूट करना है। देन उसके बाद सीधा पनगोड, क्योंकि वहाँ पर एक है 15-20 किलोमीटर का ट्रैक है और वहां से जो ऊपर से तब प्यारा व्यू मिलता है ना, जैसे यहाँ से मिल रहा है ना अभी नीचे को, और यहाँ से पहाड़ देखो आप। तो और एक मेमोरी और मैंने अपने बर्थडे के दिन बना दी है पनगोड ट्रैक की, पनगोड ट्रिप की। तो आज पनगोड होके आएंगे मस्त एकदम भाई। तो अभी हम आ चुके हैं नैनीताल में, एंटर हो चुके हैं और अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ से रास्ता। तो वैसे मैंने कितने बार बता दिया अपने वीडियो में, बट जो लोग नए हैं और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए है। तो अभी हम नैनीताल एंटर हो चुके हैं, तो यहाँ से रास्ता। तो अगर आप 4-व्हीलर लेके आओगे तो यहाँ पर आपको टोल की रसीद काटनी पड़ेगी और 2-व्हीलर के लिए ऐसा कुछ नहीं है वैसे तो। तो अभी हम यहाँ से टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। तो यहाँ से है वो रास्ता पनगोड को जाने का, ये आ गया है हाईकोर्ट आ गया है उत्तराखंड का। तो सामने आप देख रहे हो यहाँ से चाइना पीक पे जाते हैं, हाँ यहाँ से चाइना पीक पे जाते हैं और नीचे भी पानी। तो यहाँ से आगे हिमालयन दर्शन भी दिखता है, मतलब पंचाचोली की चोटियाँ दिखती है। वैसे तो आपको आपने मेरी वीडियो में बहुत बार देखा होगा और यहाँ पर इतनी भीड़ लगी रहती है ना, ये देखिए। और अभी भी देखिए क्योंकि बादल बादल बहुत है और पर यहाँ पर भीड़ बहुत रहती है। और अभी हम आ गए पनगोड वाली रोड पे, तो ये तो यहाँ पर से ये मंदिर है, याला मंदिर। तो यार अभी हमें ना छोटे छोटे हर्ष देखी हमने यहाँ पर, अभी देखते हैं कि नीचे साइड बर्फ होगी नहीं होगी, बट यहाँ पर थोड़ी बहुत बर्फ दिख गई हमें। एक बार बर्फ दिख जाए ना मजा आ जाए, बर्फ दिख जाए बर्फ नहीं देख गया।
रुक तो गई थी वो भाई, गाड़ी गिरा के रखी सामने। अरे यार चल उठा।